हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सोनाली और आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो कैसे आप सब? अभी मॉर्निंग का काम कर रहे हैं और धान भी सजा रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा लेट भी हो रहा है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, भिंडी का सब्जी और दाल, जो कि दाल है उड़द। और एक्चुअली उड़द को तो बॉयल करेंगे और इसका नमक वगैरह कुछ ऐसा डालेंगे और उसको तड़का नहीं देंगे, बस उसको बॉयल ही खाएंगे। एक्चुअली मुझे कहीं भी जाना नहीं है, घर पे ही रहेंगे आज। तो हम सोच रहे हैं कि लीची को तोड़ देंगे क्योंकि पूरा फट जा रहा है, इतना ज़्यादा धूप है ना तेज, तो इसलिए ना पूरा फट जा रहा है। अच्छे से पका भी नहीं है फिर भी फट रहा है, तो आज तोड़ देंगे। एंड मैं भी जाऊँगी तोड़ने के लिए, पहले सब्जी और जो दाल है उसको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी। तो पापा भैया लोग तोड़ रहे हैं, तो चलो कंटिन्यू रहो व्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग ना धान सिझा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे किए थे एंड उसके बाद यहाँ पे करके और थोड़ा पानी को सुखा रहे हैं। और यहाँ पे जो बॉईल किए हैं वो वाला है और ये पहले का किया गया है, मतलब ये पहले किए थे वो थोड़ा सूखा है, तो इसको और थोड़ा धूप में दे देंगे हल्का सा। तो हम लोग घर पर ही सुखाते हैं चचका ये करके। और फिर और एक है इधर बाहर यहाँ पे दिए हैं। तो ये सब कुछ हम लोग ना बारिश के सीजन के लिए कर रहे हैं, उस टाइम धान सूखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाता है और फिर खेती बाड़ी भी रहता है तो टाइम नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग पहले से ही ऐसे सूखा सूखा के ना जमा करते हैं। कम से कम 12 बोरे ऐसे करके, 10 बोरे ऐसे करके करते हैं। तो देखते हैं कितना कर पाएंगे। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, वैसे तो मई महीने में ही करके कम्प्लीट करते हैं। तो गाइस ऐसे हुआ है और ये तो एक्चुअली हुआ नहीं है लेकिन पूरा फट रहा है, आपको दिखा रही हूँ। रुकिए ऐसे, तो ये रही हम लोग का, जैसे कि ये हुआ दिख रहे ना, ये कैसे फट रहा है, पूरा फलतू लग रहा है। घर हम लोग तो खा पाएंगे, खा लेंगे हम लोग तो, ऐसे तो किसी को देना हो तो कैसे देंगे, फटा हुआ को तो नहीं देंगे। पूरा अजीब दिख रहा है और ऊपर का भी पूरा फटे हुए हैं। गाइस तो हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं लीची और यहाँ पे ऊपर ऊपर है एक्चुअली, ये जो नीचे का है ना वो मैं तोड़ रही हूँ। ये बाद में बहुत ज्यादा धूप हो जाएगा, दिखा रही हूँ करके, देख रहे हैं ना सब पूरा फटे हुए हैं। इतना धूप दिया कि फटे हुए हैं। बारिश भी हुआ, हाँ, और बारिश होगा ना तो इसमें पूरा कीड़ा लग जाएगा, इसमें कीड़ा हो जाएगा। ये लोग ना तोड़ रहे हैं काम, खा रहे हैं ज्यादा, सब ब्रश कर के आए हैं और मैं एक ही हूँ जो ब्रश नहीं की हूँ। तो मैं अभी उतना ऊपर चढ़ने वाली हूँ वहाँ पे, इस वक्त हूँ मैं पेड़ के ऊपर, मैं ऊपर ऊपर का तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा, मेरे को आता है चढ़ने के लिए लेकिन ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ सकती हूँ। बट ये जो पेड़ है ना वो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा भी मीडियम का है, तो मैं चढ़ सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं ऊपर का तोड़ रही हूँ और बाकी सब है नीचे तोड़ रहे हैं।
रेसिपी देखिए। नीचे दुनिया के लोग और उधर कुछ लोग उधर तोड़े हैं कुछ, और जो कहिया तो कहिया ये बोले एकदम ऐसे पूरा अटैक करते हैं कि और क्या ही बोले। लाल चींटी सारा बिच्छू से कम नहीं इसका दर्द इनका इनका ही कैसा देता किलो कैसा देता 80 रुपया किलो। ओहो 80 रुपया किलो देवा तो 1 किलो कहा तबे तुहार लीची तो फट जाए। 70 रुपया में देवा 60 रुपया में देवा तो हर लीची फाइट है। 80 रुपया 70 में नहीं देवा हले मैं नहीं खाबू भागा थो ए बाबा उन्ती की नो स्कूल नहीं जावाल ओहो छुट्टी छुट्टी है खाने लीची बच्चे का हाँ अच्छा छुट्टी है खाने लीची बच्चे का हाँ लीची बेच के का किन बा झूला मन किन बा अच्छा चखे लागिन तो देवा दुई ठू धनियाबाद गाइस हम लोग अभी है रोड के बगल में साइड में और हम लोग है क्या बोलते हैं कुसुम पेड़ के नीचे बैठे हैं और हम लोग लीची बेच रहे हैं बच्चन के साथ। हम लोग दे रहे हैं केजी 80 रुपीस पर केजी। तो जो पिछला साल था ना उस टाइम बहुत ही अच्छा हुआ था लीची तो उस टाइम केजी 100 था और अभी केजी 80 है। तो चलो कितना बिकते हैं देखेंगे आज। और हम लोग का थोड़ा सा बचा है अभी बहुत सारा था उसको बेच दिए हैं बाकी अब थोड़ा सा है वैसे 3-4 केजी है बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखेंगे कितना हो रहा है अभी भी थोड़ा सा है जैसे कि आप समझते हैं 4 केजी है ज़्यादा नहीं है। एंड इसके बाद भैया को बोल रही हूँ कि खाना ला दे यहाँ पे लंच और मुझे अच्छा लग रहा है मैं बेच रही हूँ कि नहीं इसलिए और देखते हैं। मैं सोच रही अभी डेली रखेंगे क्योंकि हम लोग के पास 4 पेड़ है ना तो 4-4 पेड़ का तो खा नहीं सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेड़ का आधा खाएंगे। अगर कोई किसी को देना भी है तो 1 ही पेड़ से ही तो बाकी 3 बचा तो इसलिए दूसरों को भी खिला दें। तो आज भी धूप ही है ज़्यादा धूप तो है नहीं वैसे थोड़ा बहुत है। तो आज है नेक्स्ट डे और आज ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि कल शाम हो गया थोड़ा और काम वगैरह कर रही थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई तो आज एंड कर रही हूँ ब्लॉग को। एंड आज भी थोड़ा सा निकाले हैं मैं हूँ दुकान के पास और इधर से अभी थोड़ा खाली है रोड
और कल खत्म हो गया था, शाम होने से पहले खत्म हो गया था, और आज तो थोड़ा सही है तो आज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलो, जो ब्लॉग बनाए हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।